बच्चों सुप्रभात। आज हम गृह विज्ञान की क्लास में हम आशा करते हैं कि आप सब उपस्थित होंगे और हम आगे का आज हम पट्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि पट्टियां किस प्रकार से बनती हैं या किस प्रकार की होती हैं, है ना। जैसे कि ये बताइए, ये त्रिकोणी पट्टी प्राथमिक चिकित्सा जब भी होती है तो उसमें हम त्रिकोणी पट्टियां हाथ में अगर चोट लगती है या कहीं भी चोट लग जाती है तो हम उसको कीटाणु रहित करने के लिए उसको पहले साफ सुथरा करते हैं चोट लगने के बाद, फिर बाद में हम उस पे घाव पर हानिकारक कुछ भी लगाते हुए ये डिटॉल हो गया या बैंडेज का कुछ भी का प्रयोग करते हैं। फिर पट्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि पट्टियों की क्या उद्देश्य, क्यों वो बांधी जाती है, मरहम पट्टी, खपच्ची पट्टी, प्रभावित अंग पर स्थिर रखने के लिए, घायल अंग को सहारा पहुंचाने के लिए, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, दर्द तथा कंपन को कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए, एकदम से सूजन बढ़े ना चोट लगने पर, घाव की भी रक्षा हो जाती है। अगर हम नहीं बांधेंगे तो मक्खियां होंगी उसके ऊपर, बैक्टीरिया फैलेंगे और इससे घाव और भी बढ़ जाएगा। फिर पट्टियों के प्रकार, जैसे कि मुख्य रूप से दो प्रकार की, त्रिकोणी पट्टी और गोल पट्टी। त्रिकोणी पट्टी कैसे बनती है, जैसे ये चौकोर पट्टी है अगर तो इसको हम बीच में से त्रिकोणा कर देते हैं, उसको फोल्ड कर, उसके बाद 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी होती है ये, और टुकड़े को लेकर एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर उसको आकार त्रिभुज की तरह हो जाए, इसको मोड़े जाते हैं, फिर उस भाग में काट लेते हैं और चौकोर कपड़े से त्रिकोणी पट्टी तैयार कर लेते हैं। पट्टी को चारों ओर से मोड़ लेना चाहिए और पट्टी का ऊपर वाला भाग शीर्ष या नीचे की भाग को भी हम उसको आधार करते हैं, इसलिए उसको मोड़ के लगाना चाहिए। त्रिकोणी पट्टियों के प्रकार, इसमें त्रिकोणी पट्टी के बारे में बताया है कि ये भी कितने प्रकार की होती है। जैसे ये ट्रायंगल में बता दिया, एक ट्रायंगल के प्रकार के हम काट सकते हैं, एक चौड़ी भी काट सकते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, फिर एक और ट्रेंड ये भी इस तरह में हम काट सकते हैं इसको, ये इसी की छोटी पट्टी बना सकते हैं, इसके भी कई प्रकार होते हैं, चौड़ी पट्टी, सकरी पट्टी, पूरी खुली हुई पट्टी, जैसा ये पूरी खुली हुई पट्टी, चौड़ी पट्टी, फिर सकरी पट्टी, जैसा कि मैंने ये बताया सकरी पट्टी, इस टाइप से पट्टियां होती हैं। पट्टियों को कीटाणु रहित करने के लिए घाव के लिए बांधा जाता है ना। इसके बाद में इसको पट्टी को मोड़ के इसका प्रयोग चौड़ी पट्टी की तरह किया जाता है, किसका, सकरी पट्टी का, गांठ बांधना। पट्टियां बांधने के लिए गांठों का ज्ञान आवश्यक है। त्रिकोणी पट्टियों को दो प्रकार से बांधते हैं, जैसे रीप नॉट। रीप नॉट कैसी है, यहां से लाके पहले ये बांधते हैं, यहां से ऐसे अंदर से लाके उसके बाद में फिर ऊपर से ये बांध लेते, तो ये जल्दी खुलती भी है और जल्दी से बंद भी जाती है, इसलिए इसको रीप नॉट को ज्यादातर बांधा जाता है। फिर ग्रेनी नगाड़, ये वाली भी लगाते हैं, प्राथमिक चिकित्सा में ये उपयुक्त तो नहीं होती है परंतु यह गांठ चपटी होती है, जल्दी से खुलती नहीं, चुभती है, फिसलती भी है और जल्दी खुल जाती है, लेकिन ये चुभती इसलिए घाव पर नहीं ज्यादा देर तक लगाते हैं, रीप नॉट बांधने में सही रहता है। इसके बाद जैसे विशेष अंगों की पट्टियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, विशेष अंग यानी सिर की पट्टी, जैसे कभी भी घाव चोट लग जाने पर सिर की पट्टी, अगर सिर पे चोट लगी है तो हम उसको बांध सकते हैं। कैसे, ये कितनी बड़ी लेना चाहिए, 5 सेंटीमीटर चौड़ी 1 मीटर लंबी दो पट्टियों की सहायता से इसको बांधा जा सकता है। दोनों पट्टियों को सिरे जोड़ लीजिएगा और फिर घायल व्यक्ति को कुर्सी पर बिठा कर हम पीछे खड़े हो जाते हैं और फिर पट्टी के मध्य भाग को नाक की सीध से लेके भौहों के ऊपर से हम उसको बांधते जाते हैं और फिर कपाल के पास लाकर विपरीत दिशा में पट्टियों को घूमते हुए कान के ऊपर से सिर के पीछे ये जाकर मोड़ देते हैं, ऐसे करके सिर की पट्टी बांधते हैं। फिर है इसके बारे में कि हम पट्टी तो बांध ली हमने, अब इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखेंगे।
बच्चियों को सिर की पट्टी बांधने में क्या सावधानी करनी चाहिए, तो सही पट्टी की पहचान होनी चाहिए और टोपी उतारने पर बिना बिगड़े टोपी के सामान ही उतर जाए, ऐसी पट्टी बांधनी चाहिए। फिर पट्टी साफ व कसी होनी चाहिए ताकि वह खुले खुल न जाए जल्दी से। फिर हथेली की पट्टी की चौड़ाई कैसी होती है, 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर लंबी होती घायल व्यक्ति को सामने खड़े करके, वो वाली कैसे पीछे खड़े होना पड़ता है, मैं बांधती हूँ। सिर की पट्टी के लिए पीछे खड़े होते हैं और हथेली पट्टी की बांधने के लिए सामने खड़े होते हैं। फिर उंगली के पास रखकर पट्टी को अंगूठे की उंगली डालते हैं और चारों उंगलियों को 2-3 बार लपेटना चाहिए। फिर उसके बाद अंगूठे और हथेली से बीच से निकाल कर पट्टी को बांधना चाहिए, जैसा आप यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। फिर हथेली अंगूठे और हथेली से प्रस्थ भाग से निकालते हुए छोटी अंगूठी के नाखून के पास लाकर बांध देना चाहिए, कलाई से भीतरी भाग में बांधना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हथेली की पट्टी में क्या सावधानी है। हर पहले चक्कर का 1 से 3 भाग ढकता रहे, ऐसी पट्टी बांधनी चाहिए। सभी क्रॉस बीच की उंगलियों के सीधे में बराबर उंगलियों के पास पट्टी अच्छी लगे, जैसा कि ये बनी दिख रही है आपको। फिर कोहनी तथा घुटने की पट्टी 7 सेंटीमीटर लंबी लेनी चाहिए और पहली पट्टी खुले सिरे को मोड़ना चाहिए और 1-2 चक्कर लगाकर उसे बांधना चाहिए। फिर बाद में लपेट कर आकृति ऐसी बनाए, 8 के समान की आकृति, कैसी आकृति, ऐसी बांधी तो ऐसी बन जाए। जब जोड़ पूरा ढक जाए तो सेफ्टी पिन लगा देना चाहिए और जोड़ बांह में होने पर झोली में लटका देना चाहिए। कहाँ की पट्टी है, कोहनी की, जो कोहनी के पास हाथ हमारा होता है, कोहनी उधर की पट्टी है। बच्चों ये सब जो मुख्य हमने पार्ट पढ़ाया है, पार्ट में पढ़ाया है, इसको आपको कॉपी में लिखना है और इसी से क्वेश्चन आपको देंगे अगर, तो आपको उसका आंसर करना चाहिए ताकि आप उसको भी याद भी करो, स्ट्रक्चर बनाकर लिखो और याद करो।